कुशीनगर में पत्थरबाजी की घटना, जुलूस में शामिल कुछ युवकों पर एक घर पर ईंट पत्थर फेंकने का आरोप, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के समयपुर बादली में ज्वेलरी शॉप में चोरी का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने, बाइक से उतर दुकान की तरफ बढ़ते दिखे दो बदमाश। यूपी के संभल में टीचर ने छात्र को दूसरे स्टूडेंट से पिटवाया, सवालों का जवाब ना दे पाने पर पिटवाने का आरोप, पीड़ित छात्र के पिता ने दर्ज करवाई शिकायत। पांच महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन शीश महल पर चुप्पी तोड़ी, कहा मैं किसी जांच से डरने वाला नहीं, मेरे खिलाफ पहले से 50 से ज्यादा जांच। ऑपरेशन शीश महल की जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल का तंज, कहा जांच में कुछ नहीं निकला तो क्या इस्तीफा देंगे पीएम। ऑपरेशन शीश महल की जांच को लेकर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा शराब घोटाला हो या शीश महल, किंगपिन अभी जेल से बाहर। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना, मनोज तिवारी ने कहा आपने जनता के खजाने को लूटा, सीबीआई जांच में सच सामने आएगा। शीश महल पर बांसुरी स्वराज का बयान, कहा 600 की चप्पल का दावा करने वाले करोड़ों का फर्श बनवाते हैं, सीबीआई की जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दो अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 अक्टूबर को जबलपुर जाएंगे पीएम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 1 अक्टूबर को बैठक, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी मीटिंग, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव पर होगी चर्चा। गुजरात के बनासकांठा में जमीन विवाद के चलते दो परिवारों में झड़प, महिलाओं ने भी चलाए लाठी डंडे, मारपीट में 10 से ज्यादा हुए घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने, मोड़ पर बेकाबू होकर नदी में गिरी बस, कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर के पास खेतों से बरामद 2 जिंदा मोर्टार शेल, बस बम स्क्वाड ने ब्लास्ट कर दोनों विस्फोटकों को किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, बुजुर्ग वकील और उसके बेटे से कपड़े उतरवा कर मारपीट। पंजाब के फिरोजपुर में मान सरकार के खिलाफ किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, एमएसपी लागू करने की मांग। हरियाणा के अंबाला में किसानों का रेल रोको आंदोलन, प्रदर्शन के चलते रद्द की गई ट्रेन। पंजाब में आप बनाम कांग्रेस, एक दूसरे के आमने सामने, कांग्रेस एमएलए सुखपाल खैरा को ड्रग्स के पुराने मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 दिन की पुलिस रिमांड। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा का बयान, कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान मेरे खून के प्यासे। सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब ने टाइम्स नेटवर्क से की बातचीत, कहा मान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली, ड्रग्स केस के आरोपी ने पिता का नाम लिया। खैरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में इंडिया अलायंस में कला गवर्नर से भी मिले कांग्रेस के नेता, पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज करने की मांग। खैरा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर अमरिंदर राजा वाडिंग का बड़ा बयान, कहा खड़गे जी ने साफ कह दिया है बिना हमसे पूछे नहीं होगा अलायंस।
अमरिंदर राजा ने कहा पंजाब में अब जंगल राज शुरू हो चुका है। सुखपाल सिंह खैरा को फर्जी केस में फंसाया गया। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा। लुधियाना में कांग्रेस युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। आयरलैंड में दिखा तूफान अग्नेस का कहर। दक्षिण पूर्व आयरलैंड में लैंडफॉल के दौरान कई फीट ऊंची लहरें उठी। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। कई पेड़ टूटकर गिरे, लोगों ने घरों के अंदर से बना लिए। तुर्की की राजधानी बाढ़ से पानी पानी, सड़कों पर कई फीट भरा पानी। कई कार बाढ़ के पानी में डूबी दिखाई। एशियाई देश वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। राजधानी हनोई में लबालब भरी सड़कों से गुजरते दिखाई दिए कई वाहन। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी।